दोस्तों ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, इसमें पावर नहीं आ रही। चलिए दोस्तों चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों इसमें पावर नहीं आ रही। चलिए मशीन को ओपन करते हैं। दोस्तों मशीन को ओपन कर लिया हमने। ये इसका पीसीबी बोर्ड है। चलिए पीसीबी बोर्ड खोल के चेक करते हैं पहले। देखिए दोस्तों पीसीबी ख़राब है, हमारी पीसीबी जली हुई है। ये हमारी न्यू पीसीबी है। चलिए पीसीबी को चेंज करते हैं। दोस्तों न्यू पीसीबी फिट कर ली हमने। चलिए वे लगा के चेक करते हैं। देखिए दोस्तों हमारी मशीन ऑन हो चुकी है। इसमें पीसीबी का इशू था दोस्तों, अभी मशीन बिल्कुल ओके है हमारी।